कल ये वहाँ का पेश आया है जो साहब खान साहब जो बचा है, तो जो मतलब उसकी डेथ जो हुई है वो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हुई है, क्योंकि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमेशा जिस्मानी तौर नाकि लोगों को नज़रअंदाज कर रही है। उनकी उनकी वजह से मतलब ऐसे हमें मतलब सफ़र करना पड़ रहा है। हम जैसे कि मतलब कल ये वाक़ा हुआ है, जैसे हमने सुना है, हमने जायद साहब और मैंने दोनों ने मिलकर इसके लिए आज प्रोटेस्ट की कॉल दे दी थी। तो आज हम वहाँ उनके घर भी गए हैं, उनसे जानने की कोशिश की है कि मतलब असल में वाक़ा क्या हुआ है। जैसे उन्होंने मतलब जो कहा है कि उसके हिसाब से मतलब यहाँ की मतलब जो मेडिकल बोर्ड श्रीनगर का है वो और एजुकेशन डिपार्टमेंट इसका जिम्मेदार है, क्योंकि उसको एग्ज़ाम देने के लिए हेल्पर चाहिए, मगर बदकिस्मती की वजह से मतलब पहले तो मतलब एजुकेशन वालों ने उसको मतलब नज़रअंदाज किया है और उसको मतलब इन मेडिकल बोर्ड के पास भेज दिया है कि वहाँ से सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए। मगर अगर यहाँ की मतलब जो स्कूल एजुकेशन बोर्ड जो है अगर वो CBSE के का गाइडलाइन पूरे तरीके से मतलब वो इस्तेमाल कर लेते हैं तो तब तो उनको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मगर बदकिस्मती की वजह से यहाँ की सरकार जो है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, तो वो हमेशा जिस्मानी तौर नाकि लोगों के साथ सौतेली माँ का सलूक कर रहे हैं। यहाँ की गवर्नर इंतजामिया भी हुई है, बार बार हम सड़कों पर आते हैं, हम प्रोटेस्ट भी करते हैं, हंगर स्ट्राइक भी करते हैं, उन तक मतलब मैसेज भी पहुँचाते हैं, उनसे मिलते भी हैं, मगर हमें यकीन दहनी के सिवा कुछ नहीं हो रहा है। ये बदकिस्मती की बात है कि हम पूरे तरीके से इस मसले पर पूरी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और मांग करते हैं कि इनके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए और जो भी इसमें मुलव्वस है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाना।